हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रेजा LXi और VXi के प्राइस में लगभग 1.5 लाख रुपए का अंतर ऑन रोड हमें पड़ता है। 1.5 लाख के अंदर ही जो है अंतर पड़ता है, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया। और 1.5 लाख के अंदर जो VXi में फ़ीचर मिलते हैं वो वर्थ तो नहीं है। कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि LXi लेकर हम उसको अपग्रेड कराएंगे तो 70-80 हज़ार रुपये में जो है सारी चीज़ें लग जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप आफ्टर मार्केट नहीं करा सकते और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप आफ्टर मार्केट करा सकते हैं लेकिन फिट एंड फिनिश का इशू रहेगा, साथ में जो वारंटी है उसका भी इशू आ जाता है। और एक चीज़ और होती है दोस्तों कि हम LXi जो वेरिएंट लेते हैं उस पर हम कितना भी पैसा लगा दें, भले ही 5 लाख रुपये हम उसके मॉडिफिकेशन में खर्च कर दें, लेकिन वो रहेगी LXi। जब आप उसको सेल आउट करेंगे तो आपको जो मॉडिफिकेशन है उसका पैसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। जैसे कि म्यूजिक सिस्टम वगैरह हम लगवाते हैं तो उसका पैसा अलग से काउंट कोई नहीं करता है जब गाड़ी को हम सेल करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो गाड़ी खरीदते समय कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा पे कर देते हैं, लेकिन देखा जाए तो जो भी आप आफ्टर मार्केट सामान लगाते हैं उसका जो है आपको प्राइस जब गाड़ी को सेल करते हैं तो नहीं मिल पाता। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ जो ब्रेजा LXi और VXi के बीच में जो प्राइस का डिफरेंस है, उसमें जो फीचर मिलते हैं उसमें से कौन कौन से फीचर वर्थ मुझे लगते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें जो है देखने के बाद ही जो है VXi वेरियंट लिया। हालाँकि मैंने LXi बुक की थी लेकिन LXi भी मुझे मिल रही थी, फिर मैंने बाद में सोचा कि VXi ले लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर ग्वालियर व्यापार मेला लगता है जिसमें करीब 50 हज़ार का जो डिस्काउंट है वो VXi पर मिल रहा था मुझे, और LXi पर करीब 40-45 हज़ार रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था। तो मैंने फिर VXi ले ली क्योंकि सीधे सीधे मुझे इस पर 50 हज़ार का डिस्काउंट मिल गया और मेरे लिए यही वैल्यू फॉर मनी हो गई। आफ्टर मार्केट मुझे कुछ भी काम नहीं करवाना पड़ा है। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि ऐसे कौन से फ़ीचर हैं जो कि इसकी प्राइस को कुछ हद तक जस्टिफाई करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों वो है म्यूजिक सिस्टम। यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं स्मार्ट प्ले स्टूडियो, जो कि मारुति अपनी बहुत सारी गाड़ियों में लगा के दे रही थी, अब जो है आपको ब्रेजा VXi में भी ये मिल रहा है। तो ये जो म्यूजिक सिस्टम है दोस्तों ये एंड्रॉयड टू एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है, बट वायर के साथ में सपोर्ट करेगा, ठीक है। इसके ऊपर के जो वेरियंट आते हैं उसमें आपको जो है जो म्यूजिक सिस्टम मिलता है वो वायरलेसली सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड टू एप्पल कार प्ले को। तो ये म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है, प्लस 4 स्पीकर मिल जाते हैं, जबकि LXi में ये नहीं मिलता है। आप अगर आफ्टर मार्केट लगाएंगे तो 20 हज़ार रुपये का स्पीकर के साथ में आपको सेटअप पड़ेगा। आप चाहे तो कम प्राइस में भी लगवा सकते हैं लेकिन फिर आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टेयरिंग व्हील देख रहे हैं आप, ये हालाँकि ZXi प्लस वाला स्टेयरिंग व्हील है, बट यहाँ पर जो है आपको VXi में स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, मीडिया के टेलीफोन के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल वर्किंग नहीं है, तो ये दो फीचर जो है मुझे वर्थ लगते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वर्थ जो चीज़ मुझे लगती है वो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है दोस्तों आप आफ्टर मार्केट नहीं करवा सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक्सेसरी लगाने वाले करोल बाग वाले भी हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ वीडियो आ रहा है, अब तो ब्रेजा को 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है तो भी जो है वो इसको लेके नहीं आ पाए हैं, यानी कि आफ्टर मार्केट आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं लगवा सकते। तो ये जो चीज़ है दोस्तों, अगर आप इसको आफ्टर मार्केट भी लगवाएंगे तो 40-50 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो ये चीज़ भी मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी। इसके बाद एक जो चीज़ है वो ये भी है कि हमारे जो मिरर है दोस्तों उसको आप अंदर से ही इस स्विच के माध्यम से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं, जबकि LXi में आपको जो मिरर है वो एडजस्ट करने का ऑप्शन तो मिलेगा, यानी जॉयस्टिक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो है आप अपने हिसाब से मिरर को एडजस्ट कर सकते हैं, बट ये बटन नहीं मिलता है जिससे जो है आप फोल्ड नहीं कर सकते। तो ये चीज़ थोड़ी सी ओड हो जाती है, इतनी चौड़ी गाड़ी है, आप इस साइड का मिरर तो हाथ से कर लेंगे लेकिन अगर आप ड्राइवर सीट पर बैठेंगे तो उस साइड का जो मिरर है उसको फोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये भी चीज़ मुझे सही लगी VXi में। अब एक दो चीज़ें और हैं, जैसे कि जो ड्राइवर की सीट है वो भी हाइट एडजस्टेबल आपको मिल जाती है VXi में, जबकि LXi में आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है। तो ये भी एक सही फीचर है, काम का फीचर है। अगर आपकी हाइट कम है तो फिर जो है आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और LXi में जो है दोस्तों आपको कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता। तो हाइट एडजस्टेबल सीट जो है दोस्तों वो भी आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं, लेकिन हर कोई उसको नहीं लगाता और उसको लगाने में कम से कम 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये भी चीज़ मुझे सही लगी। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 40-50 हज़ार रुपये का तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल हो गया,
हम म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो 20 से 25000 का म्यूजिक सिस्टम मान लेते हैं, हालांकि इसका जो प्राइस है वो करीब 28 से 30000 के करीब है और स्पीकर का प्राइस अलग से है। और इसमें जो स्पीकर मिलते हैं उनकी क्वालिटी मुझे बहुत सही लगती है, बहुत सही क्वालिटी के स्पीकर इसमें जो है मारुति ने दिए हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसका 25000 इसका मान लेते हैं, तो सीधे सीधे 75000 हो गया। इसके बाद जो मिरर फोल्डिंग वाला जो सिस्टम है, अगर आप एलेक्सा ही लेके मिरर फोल्ड कराते हैं तो अगर आप आफ्टर मार्केट मोटर वगैरह लगवाते हैं तो वो सक्सेस नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये उसमें लग जाते हैं। लेकिन जब आप पूरे मिरर चेंज कराते हैं तो 13,500 रुपये जो है इसकी कॉस्ट आती है मैं वायरिंग के। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो VXI में ये जो मिरर है दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा फोल्डेबल भी मिलते हैं, एडजस्टेबल भी मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, तो ये जो है 13,000 रुपये आप ऐड कर लो इसको सीधे 75,000 में, तो सीधे सीधे आपके 90,000 मान लेते हैं मोटा मोटा, एक मोटा मोटा आपको हिसाब बता रहा हूँ। ठीक है, 90,000 जो है करीब हम इसको मान लेते हैं, साथ में जो हमारी गाड़ी के रियर सीट है इस पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते, जबकि LXI में ये नहीं मिलते। आप LXI लेके जो फिटिंग कराते हैं उसमें दोस्तों वेल्डिंग कराई जाती है, कंपनी फिटेड जो हेडरेस्ट होते हैं उनमें जो फिट एंड फिनिश होती है या उनको ऊपर नीचे जब हम करते हैं तो कहीं भी अटकते नहीं, जबकि आफ्टर मार्केट जो हम हेडरेस्ट लगाते हैं वो जुगाड़ कर लगाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल काम तो ठीक से करते हैं लेकिन वो थोड़े से अटकते हैं। तो ये चीज़ भी मान लेते हैं, अगर इनका प्राइस देखा जाए तो कोई ज़्यादा नहीं है, 2 से 2,500 रुपये, तो हम इसको उसी में ऐड कर लेते हैं, करीब 90,000 का तो ये सामान मुझे वर्थ लगता है। इसके बाद जो डिफॉगर दिया गया है ये भी मुझे वर्थ लगता है, हालांकि वाइपर नहीं मिलता है, रियर विंडशील्ड पर डिफॉगर मिलता है लेकिन यहाँ पर जो है आपको वाइपर नहीं मिलता है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें दी गई हैं जो कि आप आफ्टर मार्केट तो करवा सकते हैं लेकिन कंपनी से जो फिट एंड फिनिश होती है वो काफ़ी सही रहती है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि मुझे वर्थ लगती हैं, बाकी देखा जाए छोटी मोटी चीज़ें आप आफ्टर मार्केट करवा सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए मेरे हिसाब से करीब 1,00,000-1,20,000 रुपये का सामान तो कंपनी लगा के दे रही है मोटा मोटा, अगर मैं बताऊं तो, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम को मैंने 25,000 जो है प्राइस लगाया है जबकि इसका जो प्राइस है 28,000 है, प्लस स्पीकर का जो प्राइस है वो अलग से है। तो कुछ चीज़ें जो है मुझे सही लगती हैं। अब जैसे यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है तो इसमें आपको टेम्परेचर सेंसर भी मिल जाता है, साथ में आपकी जो MID इसमें टेम्परेचर जो है शो होता है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, साथ में अगर कोई डोर खुला हुआ है तो यहाँ पर जो वार्निंग लाइट है जैसे कि मैंने अभी डोर खोला वो तो दिखती है, साथ में यहाँ पर MID में भी इस तरह से जो है शो होता है जबकि LXI में ये शो नहीं होता है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि मुझे वर्थ लगती हैं VXI में LXI के मुकाबले। अगर आप LXI की जगह VXI वेरिएंट लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं, हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया मुझे डिस्काउंट मिला था इसलिए मेरे लिए ये थोड़ा और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गया था। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।